अगर आप रोज रोज रोटी दाल सब्जी खाकर बोर हो गए हैं तो चावल के आटे का चीला बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये चावल का आटा लिया है, मेथी पत्ते लिए हैं बारीक कटे हुए, और ये प्याज डाला है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा अजवाइन, नमक, लाल मिर्च। मैंने पानी डालकर इस तरह से काफ़ी गाढ़ा सा मैंने बैटर बना लिया है। अब एक नॉन स्टिक पैन में थोड़ा सा घी लगाएंगे और ये बैटर इसमें डालेंगे और इसको फैला देंगे। ऊपर से ढक्कन लगा देंगे और दोनों तरफ 3-3 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे। चाहे तो रेगुलर तवे पर भी बना सकते हैं, उसी तरह से फैलाएंगे। इसको बहुत पतला नहीं करना है, थोड़ा मोटा मोटा ही रहता है। इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। कवर करने से स्टीम बनता है और नीचे बॉटम में नहीं चिपकता है। पहले हवा वाला हमारा पलटने के लिए तैयार है। ऊपर से काफ़ी ड्राई हो गया है, दूसरी तरफ भी सेक लेते हैं। ये देखिए, ढक्कन हटा कर देखते हैं, इसको भी पलट लेते हैं। इसके लिए ऐसा वाला स्पैचुला ले जो थोड़ा सा शार्प होता है और फ्लैट होता है। साइड में थोड़ा थोड़ा घी छोड़ें। ये वाला हमारा बनकर तैयार है। अब हम इसको सर्व कर सकते हैं किसी भी चटनी के साथ।